नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट्स में और मैं हूँ आपके साथ मिशा सिंह। इस वक्त देश में सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। जिन लोगों ने पहले ये शब्द नहीं सुना होगा वह भी इस शब्द से वाकिफ हो चुके होंगे। अब एक बार फिर राहुल गांधी ने लोकसभा में खुलेआम यह कह दिया है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उनका कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय उनके आवास पर छापेमारी करने की योजना बना रहा है और इस बात की जानकारी उन्हें ईडी के अंदरूनी लोगों ने दी है। कांग्रेस नेता राहुल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, जाहिर है 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। बाहें फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। इस पोस्ट के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों के जहन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या राहुल की बात वाकई में सच होगी और वह शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाकर इंतजार करेंगे भी तो किसका, प्रवर्तन निदेशालय का। दरअसल बात 29 जुलाई की है जब राहुल ने संसद सत्र के दौरान बजट पर लोकसभा में भाषण दिया था। इसी दौरान सरकार के बजट पर सवाल उठाते हुए उन्होंने इसकी तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की। उन्होंने कहा कि देश 6 लोगों का एक ग्रुप चला रहा है और ये 6 लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी है। राहुल ने कहा था, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के शेप में होता है। इसके अंदर डर और हिंसा होती है। वह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है, वो भी कमल के फूल के रूप में तैयार हुआ है। इसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। अभिमन्यु के साथ जो किया गया वह भारत के साथ किया जा रहा है। देश के किसान, मजदूर और नौजवान डरे हुए हैं। राहुल ने इस बात का भी दावा किया कि केंद्र सरकार ने जो चक्रव्यूह रचा है उसे इंडिया ब्लॉक तोड़ेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी कहा था कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आने पर जाति आधारित जनगणना कराएगा और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की कानूनी गारंटी भी देगा। ऐसे में विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था तो बीजेपी कैसे पीछे रह सकती थी। तो लगे हाथ बीजेपी नेता कंगना रनौत ने भी पलटवार किया है। उन्होंने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी की बातों का कोई मतलब नहीं होता है, वो बिना सेंस की बातें करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की भविष्यवाणी ईडी को लेकर सच होती है या नहीं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।